सिंघड़िया स्थित अपने आवास पर भाजपा के सभी पार्षदों के साथ परिचयात्मक बैठक की। वह नगर में हो रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। इस बैठक में मुख्य रूप से महापौर सीताराम जायसवाल व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, समरेंद्र विक्रम सिंह, रणंजय सिंह जुगनू, नगर निगम के उप सभापति ब्रजेश सिंह छोटू, पार्षद ऋषि मोहन वर्मा, पार्षद मानता लाल यादव सहित भाजपा के सभी पार्षद मौजूद रहे। राहुल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेहर साहब को तो सब लोग जानते हैं। हम सांसदों को बुला के कहा था कि गांधी जी का कल 2 अक्टूबर को आप लोगों को पदयात्रा निकाल, सांसद को 150 किलोमीटर, तो कल तो नगर में हम चाहेंगे राहुल जी आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से कार्य। हाँ, तो हम चाहें कि हमके जो जिम्मेदारी मिलल बा एक सांसद के रूप में मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, कि हम लोग कैसे 150 किलोमीटर में अपने बूथ के जो प्रचारक बनाए, हरियाणा में भी जाना हुआ, दिल्ली का चुनाव भी आ रहा है, विदेश मंत्रालय भी उनको मिला है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हमारे सर पर हैं और यहाँ पर भी हमको देना है। मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह इस बैठक के बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, हम लोगों ने सारे पार्षदों की बैठक ली और सारे पार्षदगण से, चूंकि इतनी बरसात कई सालों के बाद 25-30 साल बाद इतनी बड़ी बरसात हुई, तो शहर में बहुत सारी चिंताएं हो गई, पानी भर गया गड्ढा, सड़कें टूट गई, सड़कें खराब हो गई, मिट्टी जहाँ बन रही थी सिविल लाइन की वजह से भी जो काम अधूरा रुका था, तो जनता को बहुत परेशानी नगर में हुई और गांव देहात में भी हो रही। इस वक्त जो दर्शक मुझे सिटी चैनल पर देख रहे हैं, दर्शक मुझे सभी को बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा संयम रखें। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम यहाँ पर आज सब बैठक लिए पार्षद जी से और पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई, नगर निगम की समस्याओं का भी सुनने जा रहे हैं, अभी सर्किट हाउस में मीटिंग है और मेयर साहब ने और नगर अध्यक्ष जी ने भी अपनी पूरी समस्याएं बताई कि अभी हम लोगों को तुरंत जो बरसात के बाद जो जो नुकसान हुआ है, जो जो हमारी जनता गोरखपुर की, नगर की या ग्रामीण क्षेत्र की या शहर से जुड़े हुए क्षेत्र की, बॉर्डर क्षेत्र की पीड़ा में, उसका समाधान कैसे किया जाए, सबको अभी रात ही में बैठ के आदेश दिया जाएगा।